देश में ये माइनॉरिटी के और गरीबों के हक में लड़ने वाले सबसे मजबूत नेताओं में आपकी गिनती है। अभी आप लोग ने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, सबसे पहले आपने मुखर होकर के नरेंद्र मोदी का विरोध किया और किसानों के हक की बात और पूरे दमदारी से रखा। ऐसे माननीय मंत्री जी का हमारे से आई हुई बहन शालिनी यादव, पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव का आज तीसरा चरण है। सबसे पहले हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि भारी संख्या में घर से निकले और वोट डालने का। जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में बनी, निश्चित रूप से 10 मार्च के दिन जब नतीजे सामने आएंगे तो सारे जगह पे भारतीय जनता पार्टी हार रही। गोवा में स्वयं मुख्यमंत्री हार रहे, हम लोग गोवा में थे। ये जो परिस्थिति निर्माण हुई है, 8 साल में मोदी के कार्यकाल में गलत नीतियां, जिसके कारण चाहे किसान हो, नौजवान हो, छोटे व्यापारी हो, सभी लोगों के बीच में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा है। बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ रही है। आप लोगों ने मिलकर सरकार बनाई हुई है, यूपी में शिवसेना भी लड़ रही है, आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, तो क्या कोई गठबंधन को लेकर आप लोगों ने नहीं बैठक की थी, बात बन जाती है? अलग पार्टियों का अपना अपना फैसला है। हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय किया था कि जो जहां मजबूत है उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ाए जाए और हम लोगों ने ये फैसले पे अमल किया। कांग्रेस अपना फैसला करती है, शिवसेना अपना फैसला करती है, लेकिन ठीक है, एक शुरुआत है। 2024 में एक बड़ा विकल्प बनेगा, हम इसके लिए आशा। अच्छा, समीर वानखेड़े तो कर रहे हैं हमेशा से, और आज एक मामला भी आया है कि उनके ऊपर वो जानकारी छुपा के बार का लाइसेंस लेके चला रहे हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी? मैंने भी देखा है, कोई एफआईआर नहीं हुई।